दोस्तों अफगानिस्तान टीम के खिलाफ पहला T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मुकाबला में आया तूफान बाबर आजम खेला सतह की पारी। क्या कुछ खबर की जानकारी बताएंगे पूरा खबर आपको इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी है पाकिस्तान टीम का एक जबरा फैन तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग किस जानकारी के लिए बता दो, पाकिस्तान टीम अभी यहाँ पर जो अमेरिका पहुंच चुका है, अमेरिका पहुंचते ही यहाँ पर जो पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान टीम के साथ एक वार्म अप मुकाबला खेल रहा है वर्ल्ड कप से पहले ही अपने आप को परख लेना चाहता है टीम पाकिस्तान। साथ ही सभी टीमों के लिए एक एक करके वार्म अप मुकाबला रखा गया है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर वार्म अप मुकाबला में बाबर आजम का दबदबा पारी प्रदर्शन दिखाया है। दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। बल्लेबाजी करने आया फखर जमा और बाबर आजम का जोड़ी यहाँ पर फखर जमा यहाँ पर 20 रन का योगदान देके आउट होके पवेलियन लौट गया था। लेकिन बाबर आजम नाबाज रह के 29 गेंदों में 129 रनों की एक शानदार पारी खेला, जिसके बाद बाबर आजम की चर्चा बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पर बाबर आजम यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान का निर्धारित 20 ओवर में 208 रनों की एक शानदार पारी खेला है, जिसके बाद 209 रनों की इस टारगेट को लक्ष्य को पीछा करने उतरा। दूसरा पारी पर अफगानिस्तान टीम का सभी खिलाड़ी पत्तों के जैसा बिखर गया था शुरुआत में ही, जहाँ पर 14 ओवर खेल गई 103 रन बना के ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गया अफगानिस्तान टीम का सभी खिलाड़ी। जिसके बाद यहाँ पर नसीम शाह ने यहाँ पर अपने खाते पर 4 विकेट लिया है, साथ ही मोहम्मद आमिर ने अपना खाते पर 3 विकेट लिया है। बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरा तरीके से कोहराम मचा दिया है पाकिस्तान टीम, और पाकिस्तान टीम का वार्म अप मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन को देख के सभी टीम थर-थर कांप रहा है। तो दोस्तों बाबर आजम कितना बेहतरीन प्रदर्शन को लेके आप बंधु की क्या रही है, आप भी बाबर आजम का एक सच्चा एक जबरा फैन हो तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए।